आम का सीजन हो और आम की कुल्फी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टफ्ड मैंगो कुल्फी, जिसका टेस्ट एकदम सुपर टेस्टी होता है। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मीडियम साइज के मीठे आम लेंगे और आम के ऊपर की टोपी को काटकर हटा लेते हैं। चाकू से गुठली के चारों तरफ कट लगा लेंगे। कट आराम से हल्के हाथ से लगाएं, नहीं तो चाकू से आम नीचे तक कट जाएगा। यहाँ कट लगाकर गुठली को थोड़ा ढीला करना है। अब एक पकड़ या सरसी लेते हैं और गुठली को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने से गुठली इजली, देखिए, इस तरह से बाहर निकल जाएगा। आम इस तरह से तैयार हो जाता है। इसे हमें एक गिलास में रख लेना है। इसी तरह दूसरे आम की भी गुठली निकाल लेंगे। स्टफ्ड मैंगो कुल्फी बनाने के लिए दशहरी आम का यूज कीजिए, जिसमें रेशा कम, आम मीठा ज्यादा और जिसकी गुठली भी पतली होती है। इससे स्टफ्ड मैंगो कुल्फी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए, बहुत ही आसानी से गुठली जो है वो पकड़ से खींचने से बाहर आ जाता है। तो इसी तरह से हमें आम को तैयार कर लेना है। गुठली के साथ आम के जो पल्प लगे हैं उसे हमें वेस्ट नहीं करना है। उसे भी चाकू से काट कर हम आम के अंदर डाल देंगे। को गाढ़ा कर इसमें थोड़ा चीनी मिला लेंगे और इसे मैंगो में पोर करते हैं। आप इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और दूध को गाढ़ा करने के लिए मिल्क पाउडर का भी यूज कर लें। इसके ऊपर आम का जो कटा हुआ ऊपरी सिरा था उससे लगाकर कवर कर देते हैं और इसे डीप फ्रिज में 8 से 10 घंटे के लिए रख देंगे। 8 से 10 घंटे के बाद हम चेक कर लेते हैं हमारा कुल्फी जमकर कैसा तैयार है। तो ये देखिए, आम बिल्कुल बढ़िया एकदम टाइट हो जाता है। तो इसे हम निकाल लेंगे और अब एक तेज चाकू या पोटैटो पीलर से इसके ऊपर के छिलके को हटा लेना है। आम चूंकि बहुत ठंडा है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप कोई कपड़ा पकड़कर इसे इजली छील सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया से इसके छिलके उतर जा रहे हैं। अब एक तेज चाकू लेकर इसके स्लाइसेस कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बनकर स्टफ्ड मैंगो कुल्फी तैयार है। तो आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें और एंजॉय करें। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।